चल। रुक नाना नाना रुक 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 कहाँ जाए? वो नाना आज तो दौड़ी कहाँ जा रही हो? अरे दादा तुम मका माता रोका मारो बहुत ज्यादा दिमाग खराब छे। अच्छा नाना तो जा बेटा ना ना जा धीरे धीरे जा जो क्यों भाई? मोदी जी पहले तो आप मेरे को ये बताओ सोया बीज का भाव किसने कम किया? हमारी ही सरकार ने किया। आपकी सरकार ने भाव कम किया? बिल्कुल। अच्छा आपकी सरकार ने भाव कम किया पर कम क्यों किया? कर सकते हैं कि हमने दिखाया है। अच्छा रे मोदी जी आपकी सरकार को सोया बीज का भाव कम करते आ जाता करके आपने गरीब किसान को बता दिया। हाँ ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। अच्छा मोदी जी आप मेरे को रिश्वत दे रहे हो पर मोदी जी मैं नहीं लूंगा। मैं 1 रोटी कम खाऊंगा पर कभी मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अरे कभी मोदी जी ऐसा ही भाव रहा तो अपने देश के किसान आत्महत्या कर लेंगे उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। समझे क्या? ये कतई ठीक नहीं है उसको न करें। अरे मोदी जी फिर आप किसान की फसल का भाव बढ़ा दो फिर अपने देश के किसान नहीं मरेंगे आत्महत्या करके। आप किसान की फसल का भाव बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे मेरे को बताओ? कितना? देखो मोदी जी सोया बीज का भाव 6,000 रुपए कुंटल और कपास का भाव 10,000 रुपए कुंटल और मक्का का भाव 3,000 रुपए कुंटल आदि सभी चीज का भाव बढ़ना चाहिए तभी तो किसान ऊपर आएगा। सही बात है। अरे मोदी जी आपको मैं क्या बताऊँ? दवाई का स्प्रे 1 बीघा में 10,000 का हो जाए और 3,000 का खाद नाकिए ब्याज पर पैसे लाकर गरीब किसान डाले अपने खेत में और निकले क्या 3 से 4 कुंटल। मोदी जी किसान करे तो क्या करे बताओ? क्या करे किसान अगर आप 4,000 रुपए कुंटल सोया बीज लेंगे तो इसमें क्या होगा किसान का? दवाई और खाद वाले को देवा जाएगा और ब्याज पर पैसे लाए उनका क्या होएगा बताओ? क्या होगा? इसीलिए तो अपने देश के किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? भाई भाई।
बोल रहा हूँ। अपने देश के किसान इसीलिए मरते हैं मोदी जी, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि किसान की फसल का भाव बढ़ा दो आप। मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी। अरे मोदी जी, 15 साल तक क्या आपने दिमाग नहीं लगाया? तो अभी आप दिमाग लगाएंगे? सीधा सीधा आप क्यों नहीं बोलते कि किसान पर ध्यान नहीं दे रहे? सही बात है ना मेरी? बिल्कुल। अरे मोदी जी, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान भाइयों की